अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो हसी रियल इस्टेट चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ओयू उस्मानिया यूनिवर्सिटी यानी कि आर्ट्स कॉलेज, आप ये मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद मोहम्मद, इसके बैक साइड में आपको आर्ट्स कॉलेज रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन से यानी कि आप आगे गएगा सिकंदराबाद वगैरह चले सकते हैं। यहाँ से एक मैं मकान बताने वाला हूँ, मकान से बिल्कुल करीब में आपको तारना का 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सिकंदराबाद भी करीब में है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी करीब में है। और एक्चुअली ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी मांगेश्वरी नगर में ये मकान आने वाला है, मांगेश्वरी नगर। तो ये मस्जिद लैंडमार्क है और आर्ट्स कॉलेज रेलवे स्टेशन, अगर ओल्ड सिटी फलकनुमा से कोई आ रहे हैं सीधा MMTA से आप आर्ट्स कॉलेज रेलवे स्टेशन पर उतर के सीधा ये मस्जिद मोहम्मदी के नहीं आ सकते बाई वॉक। इच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन मस्जिद मोहम्मदी से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पर गली में से जाना है अपने को, मकान यहीं है करीब में। चलिए ये मकान करने जाके सारी डिटेल दूंगा मकान की, डायरेक्ट स्क्रीन पे ओनर का नंबर रहेगा, आप स्क्रीन पे ओनर के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा मस्जिद मोहम्मदी करते आप देख सकते हैं वॉकेबल डिस्टेंस पे अपना मकान है, अच्छी बस्ती है, बस्ती के बीचों बीच है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना वहाँ ये मकान है, G+2 मकान है, रजिस्टर्ड है, बोर है, नल है और डायरेक्ट स्क्रीन पर ओनर का नंबर है, प्राइस भी मैं स्क्रीन पर दे दूँगा। रजिस्टर्ड मकान है आर्ट्स कॉलेज यानी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी एडिकमेट, ये एरिया लैंडमार्क के लिए आप याद रख लीजिए। मकान का एलिवेशन कुछ इस तरीके से, G+2 मकान है, 90 स्क्वायर यार्ड पे है, रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है। अगर इसके रेंट की हम बात करेंगे 30K इसका रेंट आने वाला है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे, मेन इसे दो एंट्रेंस है मकान को, एक ये गेट है आप और यहाँ से आप देख सकते हैं भाई फर्स्ट ये रूम से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से इसको सेकेंड गेट है और ये भी एक आपका एक मेन एंट्रेंस है समझिए। जैसा ये गेट से एंटर हो रहे हैं ये आपका फर्स्ट ड्राइंग रूम है, G+2 मकान है, इसका आपको 30K रेंट आ रहा। ये ग्राउंड फ्लोर पे आप सबसे पहले आप ड्राइंग रूम देख लीजिए, नीचे कितने रूम है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फ्लोरिंग कुछ इस तरीके से की गई है, यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस है और नीचे आपको 4 रूम्स है, एक ड्राइंग रूम, बीच में यहाँ पर एक रूम, ये एक रूम मिलने वाला है आपको, यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ से फिर हम जाएंगे और एक रूम में, ये आपका 3रा रूम, लाइन से एक साथ ही रूम है अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपका 4था रूम, नीचे 4 रूम है और यहाँ से फिर अब ये आपका किचन, किचन काफ़ी बड़ा है, बोरवेल और JHMC वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, सराउंडिंग में अच्छी आबादी है, आर्ट्स कॉलेज रेलवे स्टेशन बिल्कुल करीब में है, तारनाका से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, एडिकमेट OU उस्मानिया यूनिवर्सिटी पर ये मकान आपको मिलने वाला है, यानी कि OU उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी यहाँ से बिल्कुल करीब में है। तो नीचे अपने को 4 रूम्स है और यहाँ पर आपको हमाम वाशरूम है, ये आपका वाशरूम है, ये वाशरूम और ये आपका हमाम। अब जाएंगे हम फर्स्ट फ्लोर पर, नीचे 4 रूम मिलने वाले हैं और ऊपर 3 रूम्स, नीचे अपने को 4 रूम्स है। अब फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे हम, फर्स्ट फ्लोर पे जैसा आप ऊपर आए के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 रूम्स मिलने वाले हैं। जैसा ये ड्राइंग रूम है फर्स्ट अपना और यहाँ पर आपको ओपन बालकनी है, ये बालकनी एरिया है और सराउंडिंग कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं सामने रोड ड्रेनेज और घर के सामने भी अपने को पार्किंग प्लेस भी है अंदर। ये आपका एक रूम ड्राइंग रूम और सीलिंग कुछ इस तरीके से ऊपर आपको मिलने वाली है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हॉल है, ऊपर 3 रूम्स है अगर काउंट करें तो, 2 रूम एक हॉल, ये काफ़ी बड़ा हॉल है सेकंड फ्लोर पे, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर एक रूम है, इसका आपको मंथली 30,000 रेंट आ रहा और ये G+2 है, 90 स्क्वायर यार्ड पे है, रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, डायरेक्ट ओनर है। अगर आप इसका प्राइस आस्किंग प्राइस है 90 लैक्स इसका आस्किंग प्राइस है ओनर का, आप आके यहाँ पर क्रॉस चेक करके मालूम करके ले सकते हैं प्रॉपर्टी। ये एक तो ऊपर की तरफ आपने को फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम एक साथ मिल जा रहे हैं, 2 रूम एक हॉल, नीचे अपने को 4 थे, टोटल ये बिल्डिंग में अपने को 10 रूम है, नीचे 4, फर्स्ट फ्लोर पे 3, 7 हो गए और ऊपर 3। ये आपका किचन फर्स्ट फ्लोर का,
फिर यहाँ से हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। किचन में कुछ इस तरीके से आपको टैप कनेक्शन मिलने वाला है और स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, ऊपर सज्जा भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका और यहाँ पर आपको ये आपका हमाम वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर का। अब जाएंगे हम सेकेंड फ्लोर की तरफ। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, देखिए ओपन प्लेस है डेक के लिए, बोर नल हर वो चीज़ की यहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है। अब जाएंगे सेकेंड फ्लोर के ऊपर। सेकेंड फ्लोर पे भी आपको तीन रूम है, यानी कि काफ़ी एक बड़ा हॉल है, अंदर दो रूम है, हमाम वॉशरूम है, जैसा फर्स्ट फ्लोर पे है सेम वैसी सेकेंड फ्लोर पे है और सामने बालकनी भी है। तो टोटल ये मकान में आपको 10 रूम आ रहे हैं कैलकुलेशन करें तो। ये देखिए सेकेंड फ्लोर पे, तो इसके अंदर भी अपने को एक बड़ा हॉल, दो रूम है, अंदर हमाम वॉशरूम है, अंदर लाइट नहीं है इसीलिए मैं अंदर का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये एक रूम है और एक अंदर एक रूम है, तो ये सेकेंड फ्लोर, ज्यादा फर्स्ट फ्लोर पे था, सेकेंड फ्लोर भी सेम है ऑलमोस्ट, तीन रूम है ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर पे। अब जाएंगे टेरेस के ऊपर। पूरा 90 स्क्वायर फीट पे G+2 मकान है, लोकेशन काफी प्यारा है, ओयू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मस्जिद मोहम्मदी बिल्कुल करीब में, और रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करेंगे आर्ट्स कॉलेज देख सकते हैं, जो मस्जिद से मैं वीडियो स्टार्ट करा था मस्जिद मोहम्मदी, और ये मस्जिद के बैक साइड में आर्ट्स कॉलेज रेलवे स्टेशन है और ये सराउंडिंग में आबादी है देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको काफ़ी बड़े बड़े लैंडमार्क उस्मानिया यूनिवर्सिटी अडिकमेट एंड तारना का 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेट्रो रेलवे स्टेशन की भी यहाँ पर आपको सहूलत है और MMTS की भी सहूलत है और आबादी काफ़ी अच्छी है और हर वो चीज़ की यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। हम आ गए टेरिस के ऊपर। ये मकान 90 स्क्वायर फीट पे G+2 मकान है, ये रजिस्टर्ड है, किले टाइटल है, डायरेक्ट ओनर का नंबर है। अगर आप लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओनर के नंबर पे कांटेक्ट करने पे आपको लाइव लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा। प्राइस भी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके क्रॉस आके चेक करके परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।